अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं लाइबा की दादी के अदर फ्रेंड्स, मेरे ससुराल, है ना लाइबा? रे लाइबा, हम दादी के यहाँ। और कौन कौन जा रहा है और कौन कौन है वहाँ पर? ओके, और आइजू किधर है? आइजल क्या है लाइबा, आपने आइजू को गिराया ना? आइजू बेटू, इसका सही सही करो सर। ओ आइजू, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, बेटी को मारती हो गंदू। ऑटो मिलेगा ना? रिक्शा बोलो, बैगनवाड़ी जाना, रोड नंबर 14 चलेंगे। हाँ, अंदर ही है, वहाँ जाके सबको सलाम करना है, ठीक है? कैसे करोगी सलाम? और फिर और किस किस को करोगी? हाँ, और और जो भी बड़े दिखते हैं उनको भी सलाम करते हैं, ठीक है? ओके बोलो। गाइस, काफ़ी घर अंदर है और इफ्तार का समय था तो हर जगह रश था, तो कोई भी ऑटो वाला रेडी नहीं हो रहा था। फाइनली हमको मिल गया और हम चलो आगे। चल चल आगे, बोलो दादी दादी अस्सलाम वालेकुम। चलो उठो, अरे चढ़ो। अस्सलाम वालेकुम, जा दादी पास। अरे किचन किचन नीचे ही हो गया, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइज, ये है मेरा ससुराल और मैं आई हूँ एक साल बाद पूरे, बिकॉज़ मैं प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर ने मना किया था ट्रैवल के लिए। सो ये रिनोवेट होके 1 ईयर हो गया और फिर हमने करी इफ्तार। आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें थी। और फिर ये रही मेरी मम्मी जी, मतलब लाइबा की दादी लाइबा, और काफ़ी सारे नीचे भी इंतज़ाम थे। पहन के बताओ ना, आप पहन के नहीं बताओगे? दिखा दो मम्मा, अच्छे से लाई नानी माँ, दादी माँ, नानी माँ बोल दी, दादी माँ ये जैसे वो तेरी नानी माँ है। दांत काट ले, मसूड़े से काट ले बेटा, जिनकी रानी है। फिर हम निकल गए घर से उसकी दादी के यहाँ से, और उसी बीच में लाइबा को काफ़ी नींद आने लगी क्योंकि आज उसमें दिन में नहीं सोई थी एक्साइटमेंट से। सही सर, रिक्शे में नौटंकी मत कर। और सेवई 90 रुपये किलो, यही इनके असली मिठानी की आई, ऐसा ही भाव है। तो गाइज, अभी वीडियो को एंड करते हैं, मेरा बैटरी भी काफ़ी लो हो गया है। और इफ़ यू लाइक द वीडियो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज, थैंक यू सो मच।